अब इलाज के लिए क्यों जाएं कहीं और जब आपके शहर सिंगरौली में होने लगे हैं सारे टेस्ट, जैसे इको, ईसीजी, टीएफटी, बीएलएसआर, और साथ ही हमारे पास हैं बेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर और हार्ट, और हम करते हैं सही इलाज। तो आज ही आइए एसएमएस पॉल क्लिनिक एंड फार्मेसी। हमारा पता है अटल बिहारी वाजपेयी सामुदायिक भवन के सामने सिंगरौली मध्य प्रदेश। परामर्श केवल 2:30 बजे के बाद। कॉन्टेक्ट नंबर गिवन बिलो। नमस्कार, मैं हूँ अमित सिंह पोल फॉल न्यूज से, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले बिंदनगर रोड से। मैं आज यहाँ बिंदनगर रोड में आए दिन जो घटना का सबब बनती है, यहाँ पे रहने वाली गाय जो है, गाय बैल आए दिन जिनके द्वारा घटनाएं होती हैं और नगर निगम कर्मचारियों द्वारा मात्र यह देखा जाता है कि यहाँ से निकलने वाले अधिकारी रोड पर यहाँ से जितने हैं रास्ते में गाय भैंस ना देखें, इसलिए वो कुछ अधिकारियों को निकलने वाले टाइम पर गाय भैंसों को दौड़ाकर किनारे कर दिया करते हैं। लेकिन उक्त समय से पहले आए दिन यहाँ से चलने वाले रोडों पर जितने भी लोग हैं वह घटना के शिकार होते हैं, उनमें से ही कुछ लोग घटना के शिकार हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम भैया? त्रिपाशन कुशवाहा। कैसे हुई घटना आपके साथ? जैसा आप ये देख रहे हैं कि गाय अभी ये यहाँ से निकल रहे थे और वैसे ही इनके गाड़ी के सामने आ गई और वो निकल गए। जब भी यहाँ से या तो एसपी, कलेक्टर, किसी भी की गाड़ी निकलती है तो नगर निगम अधिकारियों द्वारा उसे हटाकर किनारे कर दी जाती है। आम नागरिक चलते हैं तो उनके चलने का कोई भी व्यवस्था नहीं किया जाता है। अभी आप देख सकते हैं, पत्नी है आपकी, ये आपकी पत्नी है, इनके चेहरे को देख कर देख सकते हैं किस तरीके से चोट लगी है इनके चेहरे पर, फिर भी नगर निगम की आंखें नहीं खुल रही हैं। आए दिन मृत्यु जैसी घटनाएं इस रोड पर होती हैं, लेकिन नगर निगम मात्र उच्च अधिकारियों की ही व्यवस्था का ध्यान रखता है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं और देखते हैं इस व्यवस्था के विषय में उनका क्या कहना है। जिस तरीके से अभी घटना हुई है, इस घटना के लिए आप कुछ जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा कि सिर्फ अधिकारियों को लेकर ही यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, आम जनता का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। सिर्फ नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा ये ध्यान दिया जाता है कि आए दिन अधिकारी अगर यहाँ से निकल रहे हैं तो उनको गाड़ियों के सामने गाय भैंस या कोई भी पशु हैं वह न दिखें, और आम जनता के सामने किसी भी तरीके के रोड़े खड़े हों, एक्सीडेंट हो, मौत हो जाए, इससे किसी भी अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखना ये है कि अधिकारियों को इस घटना को लेकर क्या संज्ञान में लिया जाता है और उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। न्यूज के साथ अमित सिंह, धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।